से भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा खाद पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। दुनिया को बता रहा था कि न्यूज़ क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज़ क्लिक, सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान के साफ नजर आने लगा है। और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा खाद पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज़ क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज़ क्लिक, सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज़ क्लिक अ पार्ट ऑफ अ अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान के साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान। और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा खाद पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज़ क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज़ क्लिक, सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज़ क्लिक अ पार्ट ऑफ अ अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान के साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे। और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान।